ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज हम सारे जगत की पूज्या अधिष्ठात्री देवी, पांडवों की और तोमर राजवंश की कुल देवी योग माया, जिन्हें योग माता भी कहते हैं, योगेश्वरी भी कहते हैं, आज उनके संबंध में जो ग्रंथों में, शास्त्रों में उल्लेख आए या जो विवरण दिए गए हैं, उस संबंध में चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम तोमर राजवंश की या पांडवों की ये जो कुल देवी हैं, भगवान श्री कृष्ण के एक आदेश से, वरदान से इन्हें संपूर्ण ब्रह्मांड में पूज्या पूजी जाने वाली होने का वरदान या आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, और उनकी पूजा समस्त ब्रह्मांड में, तीनों लोकों में की जाती है, मान्य है, और तीनों लोकों में वे पूज्य हैं। अब हम ये जानेंगे कि तोमर राजवंश का संपूर्ण महाभारत पर, महाभारत जिसमें कि संपूर्ण विश्व का, संपूर्ण भूधरा का साम्राज्य है, पूरा नक्शा था, जिस पर कि इनका राज्य रहा और इनके संबंध देवियों से और अप्सराओं से कैसे बने और ये वंश कैसे आगे बढ़ा, ये चर्चा जब हम चंद्रवंश की वंशावली की चर्चा करेंगे और उसमें जब आगे चल के तोमर राजवंश का विवरण आएगा, तो उसमें ये सब चर्चाएं आएंगी। आज हम तोमर राजवंश की, पांडवों की, महाभारत की, इस ब्रह्मांड की और तीनों लोकों की जो कुल देवी हैं, पूज्या हैं, आराध्या हैं, आज उन योग माता, योगेश्वरी, योग माया के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो जब कंस को भविष्यवाणी हुई और उसने देवकी के सभी पुत्रों को गर्भ से जन्म लेते ही मार देने का जो प्रावधान किया, तब जब भगवान का स्वयं का अवतार लेने का वक्त आया, तो यहाँ पर श्री महाभारत के हरिवंश पर्व में आगे विवरण श्री योग माया जी का आता है, आप उसे सुने कि क्या विवरण है। वो भोज कुमार कंस, यानी भोज वंश में जन्म लेने वाला भोज कुमार कंस देवकी के 7 गर्भों को मार डालेगा और 8वें गर्भ में मुझे अपने स्वरूप का आधान करना चाहिए, ऐसा भगवान विष्णु ने विचार किया। इस प्रकार सोचते हुए भगवान का मन सहसा पाताल की ओर गया, जहां वे गर्भ में शयन करने वाले षडगर्भ नामक दानव विद्यमान थे। उनके शरीर बल विक्रम से संपन्न थे, वे अमृत भोजी देवताओं के समान तेजस्वी थे और युद्ध में देवताओं के तुल्य पराक्रम प्रकट करते थे। वे सब के सब
काल नेम नामक दैत्य के पुत्र थे। पहले की बात है, वे दैत्य अपने पिता के भी पिता हिरण्यकश्यप को छोड़कर लोक पिता में ब्रह्मा जी की उपासना करने लगे। सिर पर जटा का भार धारण किए वे तीव्र तपस्या में लग गए। तब ब्रह्मा जी उन षडगर्भ नामक दैत्यों पर प्रसन्न हो गए और उन्हें वर देने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, दानव कुल में सिंह के समान पराक्रमी वीरो, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। तुम में से जिसे जिस वस्तु की इच्छा हो उसे बताओ, मैं वह सब पूर्ण करूंगा। उन सब दैत्यों का प्रयोजन या मनोरथ एक सा ही था। वे ब्रह्मा जी से बोले, भगवान, यदि आप हम पर प्रसन्न हो तो हमें यह श्रेष्ठ वर दीजिए। भगवान, हम देवताओं तथा बड़े बड़े नागों से भी अवध्य हूँ, जो शाप द्वारा प्रहार करने वाले हैं उन महर्षियों से भी हमारा सदा कल्याण ही हो। भगवान, यदि आप हमें वर दे ही रहे हैं तो यक्ष, गंधर्व, पति, सिद्ध, चारण तथा मनुष्यों द्वारा हमारा वध न हो। तब ब्रह्मा जी ने उनके प्रति अत्यंत प्रसन्न चित्त से कहा, तुम लोगों ने यह जो कुछ कहा है वह सब पूर्ण होगा, वह सब पूरा होगा, वैसा ही होगा। तब उन षडगर्भ नामक वाले दैत्यों को इस प्रकार वर देकर स्वयं ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को चले गए। उधर हिरण्यकश्यप ने रोष में भरकर उनसे कहा, वह क्रोधित हो गया, अरे तुमने मुझसे छोड़कर कमल योनि ब्रह्मा जी से वर ग्रहण किया है, अतः अपने प्रति मेरे स्नेह का त्याग करा दिया, अब तुम लोग मेरे शत्रु भूत हो, यानी शत्रु बन गए हो, शत्रु स्वरूप हो, इसलिए मैं तुम्हें त्याग देता हूं। जिस पिता ने तुम्हें षडगर्भ नाम दिया और पाल पोस कर बड़ा किया है, वही गर्भ में स्थित होने पर तुम सब लोगों का वध कर डालेगा। तुम छो षडगर्भ नामक महान असुर देव की के गर्भ में स्थित होगे, तब कंस, जो तुम्हारे पिता कालनेम का ही स्वरूप होगा, यानी कि कालनेम ने ही कंस के रूप में अवतार लिया था भोज वंश में, राजा भोज कुमार के रूप में, और तुम गर्भस्थ बालकों का वह वध कर डालेगा। तब वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन, हे पराक्रमी भारत जनमेजय, उनकी याद आते ही भगवान विष्णु पाताल लोक में गए, जहां वे षडगर्भ नामक असुर संयमनिष्ठ होकर जल के भीतर गर्भगृह में शयन करते थे। उन्होंने देखा, सब षडगर्भ नामक दैत्य काल रूपिणी निद्रा से तिरोहित होकर जल के भीतर गर्भगृह में सो रहे हैं। तब भगवान विष्णु स्वप्न रूप से उनके शरीर में प्रविष्ट हुए और उनके जीवों को खींचकर उन्होंने निद्रा की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा योग माया के हाथ में दे दिया। तो यहां पर श्लोक है, ताम चोवाच ततो निद्रां विष्णु सत्य पराक्रमः गच्छ निद्रे मयोत्सृष्ट्रा देवकी भवनान्तिकम् इमान प्राणेश्वरान ग्रैंज षड्गर्भान दानवोत्तमान षड्गर्भान देवकी गर्भे योजस्व यथाक्रमम्। तत्पश्चात सत्य पराक्रमी भगवान विष्णु से निद्रा से बोले, योग निद्रा से बोले, हे निद्रे, तुम मेरी प्रेरणा से इन जीवों को लेकर देवकी के घर के निकट जाओ। ये सबके सब षडगर्भ नाम वाले श्रेष्ठ दानव हैं। इन सब षडगर्भों को क्रमशः देवकी के गर्भ में स्थापित करती रहो। जब ये गर्भ जन्म लेकर कंस द्वारा यमलोक पहुंचा दिए जाएंगे,
जब कंस का प्रयत्न निष्फल और देवकी का परिश्रम सफल हो जाएगा, तब मैं तुम पर विशेष कृपा करूंगा। देवी, उस समय से भूतल पर तुम्हारा प्रभाव मेरे प्रभाव के समान ही हो जाएगा, जिससे तुम संपूर्ण जगत की आराध्य देवी बन जाओगी। देवकी का जो सातवां गर्भ होगा वह मेरा ही सौम्यांश होगा और मुझसे पहले अवतीर्ण होने के कारण मेरा बड़ा भाई होगा। वह गर्भ जब 7 महीने का हो जाए तब उस 7वें मास में ही तुम उसे खींचकर रोहिणी देवी के गर्भ में स्थापित कर देना। गर्भ का संकर्षण होने से वह तरुण वीर संकर्षण नाम से प्रसिद्ध होगा। चंद्रमा के समान गौर वर्ण से सुशोभित दिखाई देगा तथा वह मेरा बड़ा भाई होगा। उस समय लोग यही कहेंगे कि देवकी का 7वां गर्भ कंस के भय से गिर गया। 8वें शिशु के रूप में जब मैं गर्भ में आऊंगा तब कंस मुझे भी मारने का प्रयास करेगा। तब हे देवी, तुम्हारा भला हो। इस समय भूतल पर यशोदा नाम से विख्यात जो नंद गोप की प्यारी पत्नी है, वे गोप कुल की स्वामिनी है। तुम उन्हीं के नवम गर्भ के रूप में हमारे कुल में उत्पन्न होगी और भाद्रपद कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि को ही तुम्हारा जन्म होगा। अब यहां रहस्य ये है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी की तिथि में है और योग माया का जन्म ये यशोदा के गर्भ से 9वीं तिथि में, क्योंकि उसी समय अष्टमी के बाद में 9वीं तिथि लगने वाली थी या लग रही थी। तो ये एक तो नवम संख्या यानी 9वां गर्भ जिसको कहा है यशोदा का, तो वो नवम संख्या देवकी के 8 पुत्रों की अपेक्षा से कही गई है, क्योंकि योग निद्रा का जो देवकी के उदर में प्रवेश हुआ है तो वो 9वें गर्भ के रूप में यानी हुआ है, वो देवकी का ही गर्भ था, इसलिए उसको 9वां गर्भ बोला भी गया है योग निद्रा का, योग माया का। और ये जो 9वीं तिथि है तो उसका हम बता ही चुके हैं, एक ही रात में अष्टमी के बाद जब 9वीं लग जाए तो ऐसा उस समय हुआ। उस समय जो है अष्टमी के एकदम बाद 9वीं लगी तो श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी में हुआ और योग माया योग निद्रा का जन्म 9वीं में हुआ है। जब रात्रि युवा अवस्था में स्थित होगी उस आधी रात के समय अभिजित मुहूर्त के योग में मैं सुखपूर्वक गर्भवास का त्याग करूंगा अर्थात माता के उदर से बाहर निकल के आऊंगा। हम दोनों भाई बहन गर्भ के 8वें महीने में जन्म लेंगे, फिर कंस के भावी विनाश का कारण प्राप्त होने पर हम दोनों साथ ही गर्भवैत्यास को प्राप्त होंगे यानी बदल दिए जाएंगे। हे देवी, मैं तो यशोदा माता के पास पहुंच जाऊंगा और तुम देवकी का आश्रय लेना। हम दोनों के परिवर्तित गर्भ संयोग के विषय में कंस मूढ़ बाब को ही प्राप्त हो यह ख्याल रखना। वह इस अदला बदली के रहस्य से अनभिज्ञ ही रहे। तो हे योग माया, इस आदेश का ख्याल रखना। तदनंतर कंस तुम्हारे पैर पकड़कर तुम्हें शिला पर पटक देगा, परंतु तुम उसके हाथ से निकलकर आकाश में शाश्वत स्थान प्राप्त कर लोगी। तुम्हारी अंग कांति मेरी ही छवि के समान श्याम होगी, परंतु मुख भैया संकर्षण के समान गौर होगा। तुम आकाश में मेरी ही भुजाओं के समान दोनों ओर दो दो हृष्ट पुष्ट विशाल बाहें धारण करोगी। 4 भुजाओं में 3 शिखाओं से युक्त शूल त्रिशूल, सोने की मूठ लगी हुई तलवार,
मद से भरा हुआ पात्र तथा अत्यंत निर्मल कमल धारण करके सुशोभित होगी। तुम्हारे श्री अंग में नीले रंग की रेशमी साड़ी शोभा पाएगी और तुम रेशमी पीतांबर की चादर ओढ़े रहोगी। तुम्हारे वक्ष स्थल में चंद्रमा की किरणों के समान प्रकाशमान श्वेत हार शोभा दे रहा होगा। दिव्य कुंडलों से मंडित कर्ण युगल तुम्हें विभूषित करेंगे और चंद्रमा की भी शोभा को छीन लेने वाले अपने मनोरम मुख से तुम अत्यंत शोभायमान होगी। तुम्हारे मस्तक पर विचित्र मुकुट और शोभाशाली केशबंद फलते होंगे।